40 लेफ्ट जा रहे हैं फिर 30 राइट जा रहे हैं। ओ देख हमारे एक नए नवाण का खिड़ भी ले गया। सतपुली तक के तो पूछ भी नहीं रहे हैं, सतपुली तक कत्ते ही काली मिर्च। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो देखो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है कोटद्वार से, मावा कोट से, निम्बू चौड़ मावा कोट में हूँ मैं इस टाइम चाची और के घर पे, और अभी छत पे हूँ, थोड़ा मैंने झाड़ू मारा छत का। तो क्या बोलते हैं, मौसम आज धूप तो आ गई है, देख लो समय पे धूप आ गई। और कल जब हमारी भर्ती का टाइम था उस टाइम पे ही इस टाइम तक बारिश हो रही थी, और अभी समय हो रहा है पूरा 7:15 बज रहे हैं, 7:15 बज रहे हैं और धूप आ चुकी है। यानी आज पोखड़ा वालों की है, शायद पोखड़ा और दो तीन और है तो उनकी भर्ती आज, तो उनके लिए मौसम अच्छा है कुल मिला के। तो अभी कुछ सीन ऐसा है कि मैं जाऊंगा अब घर वापस सतपुली घर, और अतुल जाएगा कॉलेज। तो अभी हम जाएंगे साथ में थोड़ी देर में, मतलब 8:30 बजे तक निकलेंगे, 7 अभी बज चुके हैं। तो बस ज़रा तैयार व्यार होते हैं, छत पे घूम रहा था थोड़ा सुबह सुबह, अब नहीं घूम रहा क्योंकि अब आ गई धूप, अभी तक घूम रहा था तो मैंने कहा चलो ठीक है मौसम ठीक था, चलो चलते हैं। चाय पी लो फ्रेंड्स, गरम है। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। तो गाइस मैं तो आ चुका हूँ नहा के, अब अतुल गया नहाने, और बस इसके बाद हम फटाफट नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके हम जाएंगे सीधा गोली घर से। तो गाइस मैं तो आ चुका हूँ नहा के, अब अतुल गया नहाने, और बस इसके बाद हम फटाफट नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके हम जाएंगे सीधा गोली घर से। और धूप जैसे कि मैंने कहा आ ही चुकी है धूप, यहाँ पे थोड़ा बहुत बो रखा है कुछ चाची और ने, वही देखो काली मिर्च, कत्तई काली मिर्च। इधर शायद भिंडी है, वो भिंडी की टहनियाँ हैं, इधर फूल फाल है, और इस तरफ दाल वगैरह बो रखी है, बहुत दाल है। और ये पिंडालू, ये लौकी है, कद्दू की बेल है कद्दू। गाइस धूप आ गई है, घर साफ नहीं दिखेगा, अंदर चलते हैं। ये है एंट्रेंस, फिर यहाँ से इधर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर अबाउट टर्न, फिर ऐसे, 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 फिर ऐसे। यहाँ पर एक एक्वेरियम है, वहाँ से अतुल का बनाया हुआ, 7 मछलियाँ इसमें। एक ये है मूंछ वाली हुई दिल, फिर ये हैं बहुत ही शानदार एक्वेटिक लाइफ को ये फॉलो कर रही हैं मछलियाँ। इधर है पूजा का कमरा, ये पूजा का स्थान है हमारा, और यहाँ से मस्त सनराइज़ देखने को मिलता है, पर अभी तो सन बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है। और ये मैं खड़ा हूँ शीशे में, साफ नहीं दिखूँगा मुझे पता है, थोड़ा मूड खराब कर दिया। अब चलते हैं गाइस हम किचन में, और इधर बन रहे हैं हमारे परांठे, इधर चाय बन रही है, इधर पराठे बना रही है चाची। अभी बहुत ही बिजी शेड्यूल है, इधर गर्म होने या कूलर लगाएं। समय हो चुका है 8:15 बजे, बस अब 15-20 मिनट में खा पी के हम निकलेंगे यहाँ से। We are enjoying this breakfast. तो गाइस निकल चुके हैं हम घर से कॉलेज की तरफ, कॉलेज नहीं ये जाएगा कॉलेज, मैं घर जाऊंगा। और अभी हम हैं यहाँ मावा कोट में, अब यहाँ से पहले विक्रम पकड़ेंगे, कहाँ पहुँचेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बस अड्डा जाएंगे हम यहाँ से, क्या बोलते हैं यहाँ से बस अड्डा है, 15-20 मिनट लगेगा, 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद फिर बस मिलेगी नहीं मिलेगी क्या मिलेगी देखते हैं। और धरती वाले लौंडे भी होंगे आज, तो वो भी भीड़ है। पार्टी में बैठ चुके हैं हम, अभी कुछ ही देर में मस्टैंग हमें सीधा नसीबाबाद खड़ा है छोड़ने की, बोले तो गोदार बस सकता है। बाटू बताणु ना समले के जानु। गाइस 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 हम हैं नसीबाबाद चौराहे पे, और अभी हमको हो रहा है बहुत ही लेट, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, 9:30 हो चुके हैं पहले ही, होने वाले मतलब 2 मिनट में। तो अभी मेरे को यहाँ से मार्केट से थोड़ी सब्जी लेनी है, और तब अपन को निकलेंगे। और ये है हॉट एंड कोल्ड, एक डेस्टिनेशन जहाँ पे आप आइसक्रीम गचोर सकते हैं, सपोड़ सकते हैं, लपोड़ सकते हैं।
और एक ये डब्बा निकल रहा है देखो यहाँ सामने से, पर अभी हमको 3 सब्जी लेनी है इसलिए हम थोड़ा लेट जाएंगे। तो भाई सब्जी सब्जी ले लिए हैं और अब जाएंगे सीधा, देखते हैं बस कौन सी लगी है क्या लगी है। आज भी टमाटर यहाँ 30 रुपये किलो है और भिंडी भी 30 रुपये किलो है, और सेब लिए हैं वो है 100 रुपये के 2 किलो। एक जगह सेब पूछे कहता 100 के 1.5 किलो, जैसे ही वहाँ से निकले ना तुरंत बोला 100 के 2 किलो। मैंने कहा कमाल है, एक कदम में ही इतनी पावर कि एक कदम में ही उसने 250 ग्राम बढ़ा दिया, 500 ग्राम बढ़ा दिया, फिर नहीं लिया हमने उससे। मैंने कहा 2 कदम और बढ़ाएंगे फिर ये 250 दे देगा, तो इसलिए नहीं लिए। तो एक बस गाइस ये लगी है, ये थैली सैंड वाली निकल रही है, ये सारी इतनी बसें लगी हुई हैं यहाँ, आज भीड़ भी काफ़ी सारी है। तो गाइस अभी हम हैं झंडा चौक पे, ये रहा ऊपर देखो झंडा आपको दिखाई दे रहा है। गाड़ी भी नहीं मिलती है ना, हम स्कूटी में आए, ना स्कूटी में आए ना गाड़ी मिलती है, पसीने से तर बितर हो रखा बिल्कुल सीन। सो गाइस झंडा चौक पर करेंगे अब हम अपनी गाड़ी का इंतजार, पता नहीं ले जाएगा नहीं ले जाएगा। पौड़ी श्रीनगर वाले भर रहे बस वाले टोटल, यहाँ वाले भाई साहब कहते हैं तुम्हारे लिए नहीं है जगह, सतपुली को कुलाड़ वाले कुमखाल वाले उनके लिए बिल्कुल जगह नहीं है। अब देखते हैं गाड़ी कब तक मिलती है। 5 minutes later गाइस हम फिर से बस अड्डे में पहुंच चुके हैं यार, बहुत ज्यादा हेक्टिक है भाई साहब, श्रीनगर पौड़ी सब जगह परेशान हो चुका हूं मैं तो, सतपुली तक के तो पूछ भी नहीं रहे हैं, सतपुली तक कह रहे हैं कहते हैं सतपुली कहाँ है वो हट पर, जैसे नई जगह आई हो बीच में, जैसे पबजी में नया मैप नहीं आता आदमी कहता कि ये कौन सी जगह है, वही बोल रहे हो सतपुली के लिए ये कौन सी जगह है भाई। गर्मी से बहुत बुरा हाल है और कितने सारे भर्ती वाले हैं भाई साहब अनगिनत बच्चे हैं अनगिनत, 10 लेफ्ट जा रहे हैं, 20 राइट जा रहे हैं, 40 लेफ्ट जा रहे हैं, फिर 30 राइट जा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, देखो कितनी भीड़ है हरिद्वार की, और दिन एक बस जाते बड़ी मुश्किल से, आज 4 बस निकल चुकी और ये देखो ये 5वीं बस है हरिद्वार की, एक ये बस है, इसमें बोला हमको क्या पता हम खड़े खड़े बैठ के कैसे चले जाए, पर देखते हैं। तो गाइस कुलाड़ पहुंच चुका हूं मैं अपने स्टैंड पे, अब यहां से जाऊंगा घर, और बहुत भयंकर धूप पड़ गया, जैसे कल थी धूप कोटदार में वैसी धूप पड़ गया, तीखी धूप बोलते हैं इसको। और अभी समय हो रहा है 12:30 हो रहे हैं अभी, ठीक 12:24 हो रहे हैं, अब जाऊंगा घर लगभग आधा घंटा या 35 मिनट में पहुँचूंगा, धूप इतनी तगड़ी हो रही है, चलते हैं। अब बस भी पूरी मतलब सीट है ही नहीं, मतलब एक सीट नहीं है, जितनी सीटें हैं पौड़ी श्रीनगर के लिए सारी पौड़ी श्रीनगर तो वो कच्ची सवारी बिठाई नहीं रहे, कच्ची सवारी मतलब कि कुलाड़ या फिर सतपुली वाले भी नहीं बिठा रहे, वो बोल रहे हैं भाई जगह ही नहीं है पूरी, मतलब पौड़ी की पौड़ी वाले श्रीनगर के श्रीनगर वाले। तब मैं अभी जिस बस में आया तो उस बस में भी सारे बच्चे श्रीनगर के, इक्के दुक्के पौड़ी के थे, सब श्रीनगर के थे, तो हमने बोला भाई खड़े खड़े ले जाओ, तो खड़े खड़े अतुल तो कॉलेज में उतर गया था, हमें इधर आ गया, यहाँ तक खड़े खड़े आया हूँ, पैर ऐसे हो रहे हैं ना बिल्कुल, और अभी घर भी जाना है तो अभी चलता हूँ, धूप भी तेज़ है, छाता है वैसे मेरे पास, पर छाते से और गर्मी होती है, ऐसे चले जाएंगे फूकते, कोई बात नहीं देखी जाएगी जो होगा। 1 hour later हेलो सीरू, म्याऊ, कैसी है तू, हैं कैसी है, आ जा देखो गाइस ये हमारी सीरू 2 किलो की। मैं घर पहुंच चुका हूँ गाइस, और मम्मी जा रखी है बाजार सतपुली, और अब देखते हैं मैं खाना, 1:15 हो चुका है इस टाइम समय, तो अब देखते हैं मैं खाना बनाता हूँ कि नहीं बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, मन तो कुछ नहीं कर रहा है पर कर भी रहा है, देखते हैं। पहले चेंज करता हूँ, पसीने से बिल्कुल ऐसे भीग चुका हूँ जैसे कल मैं 12:15 भीगा हुआ था। तो गाइस अभी समय है शाम के 6:45 हो रहे हैं, यानी 5:43 हो रहे हैं अभी, तो मैंने नाश्ता वो खाना वगैरह तो मैंने कुछ बनाया नहीं, मेरा मन सा नहीं कर रहा था खाना बनाने का, तब मैं सो गया, फिर सो के वगैरह उठा तो मम्मी और आए, अब चाय वाय बनाई हमने, चाय वाय पी अभी, तो अब थोड़ा जा रहे नीचे खेत में, अरे वो गड़बड़ हो गई थी, और तो अब हम जा रहे खेत में, अरे वो सेम कोडिंग पहना है, अरे ये देखो ये ब्लीचिंग से पापा के टी शर्ट का हाल, ब्लीचिंग ऐसे करके डाल देते हैं, इनकी आदत है ना, नाना पाटेकर वाली कट यहीं डाल दी। अभी जा रहे हैं हम मुंगरी तोड़ने नीचे, लास्ट किस्त है ना मुंगरी की,
हाँ मतलब वो तो घर के पास ही ना, पर दूर कौन चाहिए यार। तू नहीं छाई तब आ देखी। ओ देख हमारे एक नए नए वाल का खिड़ भी ले गया वहाँ पे है वो देखो। ओ देख का खिड़ आप आ रहा लू भी लगा ये ली फूल गोभी पौध भी बूत यार धने भी बूत यार राई भी बूत यार ठीक थोड़ी सी मुंगरी रह गई तीन चार है थोड़ी तो कम से ना। अभी अपन जा रहे हैं खेत में नीचे। अरे विश्वास क्यों नहीं आएगा, विश्वास नहीं आएगा तो क्या करेंगे, झूठ थोड़ी हम यहाँ पे फैला रहे हैं। वही तो कैमरे के सामने है, ऑडियो होते तो बात भी थी, इतने बड़े बड़े राई के हुए हैं। इधर हो रही है मुंगरी की टेस्टिंग। कैसे टेस्टिंग है ये जरा दिखाओ सब्सक्राइबर्स को। ऐसे हम बीज चेक करते हैं, इस पे बीज है या नहीं है, तब इसको पूरा उखाड़ देना कि तोड़नी है बस एक ये काट के साइड मुंगरी हमारी और मुंगरेट बोड़क और इस तरफ ये मूली के पत्ते भी देखो गाइस अति हो रखे हैं। जयल खाना है आ जाओ। अरे ना मर्चा लगे हैं चिन, मर्चा होगी बड़ा, लास्ट टाइम दिखाए थे तुमको छोटे छोटे मिर्चियाँ हो गई है बड़ी। और यहाँ से देख लो जहाँ तक नज़र पड़े ना वो लास्ट तक वहाँ तक मिर्चियाँ हैं, मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखा रखा है जो रेगुलर व्लॉग देखते हैं। और ये देखो ये भी मिर्चियाँ हैं पूरी वहाँ आगे तक। और ये है तोर का पेड़, इस पे हर साल हमारी थोड़ी सी तोर होती है। ये देखो ये इस पे दाल हो रही है, दो साल की डाली है ये और एक डाली ये भी है और ऐसी लाइन में हमने चार पाँच लगा रखी, ज़्यादा नहीं लगा रखी। ये हो चुप पिंडाओ पिंडाओ और बाकी बस यही है अपनी खेती, छोटी मोटी खेती, छोटी मोटी बड़ी सी खेती। अब तो मर्चा दिखा ली मेरा, विश्वास कैसे नहीं आएगा ना, विश्वास करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बस अब जरा मुंगरी वंगरी टीपेंगे जितनी हो रही है पक्की कच्ची, उसके बाद जाएंगे वापस घर को। चली गई मम्मी फिर से ढूंढने और पापा भी। देख लो गाइस चटपटे मीठे अमरूद अभी तोड़े मैंने। ना ना इस पेड़ पे से नहीं तोड़े यार, तुम भी बिल्कुल मतलब ये पीछे दिख रहा है तो इस पे से तोड़े, इस पे से तोड़े हैं। ये देखो रुको, हाँ ये देखो ऐसे वाले, इसका साइज अलग है ना, ये थोड़े ऐसा साइज का अमरूद है। इस पे भी पकड़े वैसे अंधा धुंध अथा बुल्दी जाखंड अथा अमरूद, पिसा हुआ नमक और अमरूद अलग ही स्वाद। अमरूद ऐसे लगाने का इस पे। और सीरू मुंगरी खाना ही है, सीरू मुंगरी खाना ही। गाइस पापा वहाँ पे मुंगरी देखो, मुंगरी भड़ा रहे पापा और अपन मुंगरी खाते हैं। One hour later. तो गाइस हमारा खाना रेडी है, आज दिन में भी नहीं खाया तो अभी भात दाल बना है, भात और मसूर की दाल लाल मलका, और ये चटनी है जो सुबह बनी थी, टमाटर और हरी मिर्च पता नहीं क्या क्या जड़ी बूटियाँ डाली है इसमें, और एक गुदड़ी बनी है उसको क्या ही बोलें। तो चलिए अब करते हैं अपना खाना शुरू, भूख लगी है वैसे बहुत तेज। दाल इन बनी है आज की, दाल एक नंबर की बनी है, स्वाद खुशबू से ही पता लग रहा है, चटपटी बनी। सो गाइस खाना वाना खा लिया है तो अब बस अब मुझे नींद सी आ रही है, मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, देखता हूँ मैं अभी करता हूँ नहीं करता हूँ, वैसे तो करना पड़ेगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना और देखते रहिए अमन काला व्लॉग्स। ठीक है मकड़ी का जाल आया यार, चलो ठीक है बाय बाय गुड नाइट टेक केयर।